हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ डेली पोस्ट में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चक्रा के लिए योगा। आप कैसे आपका बेस चक्रा, जिसे मूलाधार चक्रा कहते हैं, उसमें स्टोर एनर्जी को कैसे रिवील कर सकते हैं। हमारे मूलाधार चक्रा में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक जीवन जीने की चाह और एक जब आपका दिल नहीं करता कि आपको कोई भी काम करना है। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी आपके पहले चक्रा में जाके ब्लॉक हो जाती है। उस एनर्जी को आपको कैसे अपग्रेड करना है हम आज सीखेंगे। स्टार्ट करें, दोनों लेग्स को थोड़ा सा स्प्रेड करें पूरा। दिस इज ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन। ब्रीद आउट, आपको पूरा प्रेशर आपके मूलाधार चक्रा पे लेके जाना है। मूलाधार चक्रा हमारे बेस पे होता है, जहाँ टेल बोन होती है। सारी एनर्जी वहीं पे जाके जब ब्लॉक हो जाती है तो सारा का सारा आपका एनर्जी सिस्टम खराब हो जाता है। आपको उसी एनर्जी को वहाँ से रिवील करना है, उसके लिए आपको पूरा प्रेशर देना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, पूरा प्रेशर आपको पीछे लेके जाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। इस आसन को 10 से 12 बार रिपीट करेंगे, फिर आराम से बैठ जाएं। एंड वी विल स्टार्ट डूइंग पेंडुलम। पांच मिनट पेंडुलम करेंगे। अभी आप देखें, जहाँ आप बैठे हैं आपका कॉसिक जहाँ टच कर रहा है, टेल बोन टच कर रही है, उसकी पूरी मसाज हो रही है। और वहीं हमारा पहला चक्रा है, मूलाधार चक्रा। एंड रिलैक्स। पांच मिनट इस आसन को करने के बाद हम शिशुपाल आसन और कर्डल योर बेबी करेंगे। पूरा मूव करें, ध्यान दें, आपका ये पूरा बटक हवा में होना चाहिए और मूव करते रहें। एंड रिलैक्स। आप किस कर सकते हैं अपने बेबी को। नाउ विद अनदर बेबी, पूरा मूव करें और रिलैक्स हो जाए। धीरे से 90 डिग्री पे बैठेंगे। आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आपके टोज अंदर की तरफ। नाउ ब्रीद इन करते हुए अपने गुदा स्थान को ऊपर उठाएंगे। एंड ब्रीद अप, ब्रीद इन और रिलैक्स हो जाए। आप देखेंगे आपका गुदा स्थान ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए। अभी आप क्या करेंगे, अपने गुदा स्थान को आपको पूरा ऊपर खींचना है। दैट इज लाइक, मान लीजिए जैसे आपको प्रेशर आता है और आप खुद को रोकते हैं, वही करना है आपको। गुदा स्थान को खींच के रखें, अपने आप को पूरा खींच के रखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें और गुदा स्थान को खींच के रखें और फिर रिलैक्स हो जाए। एक बार फिर से गुदा स्थान को खींचा और रिलैक्स हो गए। इस आसन को भी 10 से 5 बार करेंगे। सो दोस्तों, आज आपने देखा कि योगा के थ्रू हम अपने पहले चक्रा को, उसमें रुकी हुई एनर्जी को कैसे रिवील कर सकते हैं। मैं डॉक्टर निशा आपके पास फिर से आऊँगी कुछ नई चीज़ें लेके। तब तक देखते रहिए डेली पोस्ट। थैंक यू।